मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज यह एक नया टॉपिक क्लास 12वीं का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो देखेंगे इसमें पहला टॉपिक है, शुरू करते हैं आवेश की संकल्पना। पहला ही टॉपिक है कि आवेश की संकल्पना क्या है, आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उसको हम लोग जानते हैं, वो क्या चीज है। तो शुरू करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग बात करते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर थेल्स ने, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों का युग नहीं था, तो दार्शनिक होते थे, आचार्य होते थे, विद्वान होते थे। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वह धूल के कण, तिनके, कागज आदि को अपने तरफ आकर्षित करता है। उन्होंने जब इस बात को बताया तो लोगों ने उनकी इस बात का बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। तो उनके मर जाने के बाद लगभग 2000 वर्षों बाद इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, यानी कि 2000 वर्ष बाद 16वीं सदी में, चाहे सन 1600 ईस्वी में, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि अंबर ही नहीं बल्कि कांच की छड़, बिल्ली की खाल, प्लास्टिक के कंघे आदि को भी उनके संदर्भित पदार्थों से रगड़ते हैं तो वो भी उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से, कांच की छड़ को रेशम से, बिल्ली की खाल को अबनुस की छड़ से, प्लास्टिक के कंघे को सूखे बाल से यदि हम रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद जब रगड़ते हैं तो वो अपने ही समानार्थी हल्के हल्के कणों, जैसे धूल के कण, तिन के, कागज, कार्क आदि को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और उसी गुण को नाम देते हैं वैद्युत के। सबसे पहले गिलबर्ट ने ही बताया कि जो अंबर नामक पदार्थ है, ये जो अंबर नामक पदार्थ है, इस अंबर नामक पदार्थ को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर नामक पदार्थ को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्होंने बताया कि इन चीजों को रगड़ने पर ये भी एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण रखते हैं और उसी गुण को इन्होंने नाम दिया वैद्युतकी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैद्युतकी की परिभाषा क्या है। वैद्युतकी इलेक्ट्रिसिटी, जो आज वैद्युत के नाम से जाना जाता है उसको, तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो किसी द्रव्य या पदार्थ की वह ऊर्जा, किसी द्रव्य या पदार्थ की वह ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता, तो इसमें भी कुछ कार्य करने का गुण आएगा, यानी कि वैद्युतकी क्या है, तो किसी द्रव्य या पदार्थ की वह ऊर्जा जिसके प्रभाव में वह हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करती है, उसे हम वैद्युतकी कहते हैं। अब वैद्युतकी के बाद हम लोग देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। तो किसी द्रव्य या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने सन 1750 ईस्वी में, ये रहने वाला था अमेरिका का, जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धनावेश को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं और ऋण आवेश को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखिए, आवेश को जब हम लोगों ने जान लिया कि आवेश किसी द्रव्य या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसका अनुभव करता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया,
कि उसने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से, कांच की छड़ को रेशम से, बिल्ली की खाल को अगनुष की छड़ से, प्लास्टिक के कंघे को सूखे बाल से जब रगड़ रहे हैं तो ये एक दूसरे को, यानी कि हल्के फुल्के कणों को, जैसे ये कण है धूल के कण, तिनके कागज कार्क आदि को अपने तरफ जब आकर्षित करने का गुण रखते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्हीं में से एक दूसरे को बदल बदल करके, जैसे जो कांच की छड़ से रेशम से रगड़ा गया था, तो उसने देखा कि रेशम पर अलग, ऊनी कपड़े पर अलग, अगनुष की छड़ पर अलग, सूखे बाल पर अलग, और इधर के जो पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, इनके ऊपर अलग, तो इन दूसरे को बदल करके देखा, तो देखा कि इनमें से कुछ ऐसे थे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे और एक दूसरे को रिपेल भी करते थे। तो इसने बताया कि आवेश दो तरीके के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, और उन्होंने बताया कि सजातीय आवेशों के माध्यम, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, क्योंकि जब समान समान आवेश होंगे, दो धन चाहे दो ऋण, तब वहां पर प्रतिकर्षण होगा, वहां पर रिपल्सन होगा, और यदि जहां पर विजातीय, विजातीय आवेश, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑपोजिट चार्ज, यानी कि एक धन और दूसरा माइनस, यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस, तो वहां पर विजातीय आवेश होंगे, तो यहां पर अट्रैक्शन होगा, आकर्षण, आकर्षण। हम लोग जानते हैं कि प्रतिकर्षण चाहे आकर्षण, रिपल्सन या अट्रैक्शन, यानी कि एक तरीके से कह सकें कि प्रतिकर्षण जो आकर्षण है, तो यह एक प्रकार के बल को इंडिकेट करता है। तो जब यहां पर हम लोगों ने जान लिया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जब आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनके बीच बल काम करेगा, और उसी बल के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि एक कुलाम नामक साइंटिस्ट है, वो बताता है कि क्या कैसे फोर्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल काम करता है। तो अब हम लोग देखें कि जब आवेश हम लोग समझ लिए, तो अब सजातीय आवेश चाहे विजातीय आवेश, चाहे किन्हीं दो स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या है, या स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, स्थिर आवेश को हम लोग समझ लें कि स्थिर आवेश क्या है, स्थिर आवेश क्या है, क्योंकि ये बार बार पॉइंट आएगा, स्थिर आवेश क्या है, तो स्थिर आवेश किसे कहेंगे, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के ऊपर जो आवेश स्थिर होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो उनको हम स्थिर आवेश या स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो स्थिर आवेश उसको हम कहेंगे जिनके ऊपर आवेश आ जाता है, जैसे अब इसको हम लोग देखेंगे, जैसे यहां पर रगड़ा जा रहा था, तो एक दूसरे को रगड़ने की क्रिया को हम आवेशन कहते हैं, और रगड़ देने के पश्चात जो आवेश उसके ऊपर स्थानांतरित हो जा रहा था, तो उस वस्तु को इलेक्ट्रिफाइड या वैद्युतमय वस्तु कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, अब आवेश में जो दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं कि इन दोनों के बीच जो बल काम करता है, कि बल इस पर कैसे अप्लाई होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम इसको इसके आगे बताते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताए गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच, सजातीय चाहे विजातीय आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, तो उस बल के संदर्भ में एक साइंटिस्ट था जो फ्रांस का रहने वाला था, उसने एक नियम दिया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कुलाम्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग देखेंगे। तो 1785 ईस्वी में फ्रांस का ये वैज्ञानिक था, 1785 ईस्वी में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कुलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस का वैज्ञानिक था, तो फ्रांस के वैज्ञानिक कुलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संदर्भ में एक नियम दिया,
जिसे गुलाम का नियम कहते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गुलाम का नियम क्या है, तो किन्हें किन्हें दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम है। अब यदि हम मान लें कि माना दो आवेश पहला Q1 व Q2 परस्पर R मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि हम मान लें कि यह पहला आवेश Q1 है और यहां पर दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है ये R है, दोनों आवेशों का परिमाण अलग अलग है, एक का Q1 है दूसरे का Q2 है, तो इन पर लगने वाला जो वैद्युत बल F होगा वह कूलम्ब के नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर एक, और यह इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r² समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो से यदि हम लोग हल करें समीकरण एक व दो से अगर हम लोग हल करें तो हम लोग क्या पाएंगे, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में r² यदि इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो F इक्वल टू कोई नियतांक लगाएंगे के Q1 Q2 बटे में r², जहां के एक नियतांक है जो इन दोनों आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। अब देखिए आवश्यकता अनुसार इस k का मान हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि इसका प्रायोगिक मान कुछ निकाला गया है, तो इस k का मान होता है 1/4πε₀। अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर दें या 1/4πε₀ की वैल्यू होती है 9.0×10⁻¹। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो यही हम लोगों को सूत्र मिल जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 बटे में r². ये हमारा एक सूत्र बना। अब थोड़ा सा देखेंगे और क्या कर सकते हैं, तो 1/4πε₀ के जगह पर इसको भी रख सकते हैं, या इसकी वैल्यू याद रखनी है हम लोगों को इस k का मान, यहाँ k एक नियतांक है और यह नियतांक जो है Q1 Q2 पर निर्भर करेगा। आगे कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है आगे, तो अब थोड़ा सा समझिए F इक्वल टू इतना हो गया। अब जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यदि हम मान लें कि यदि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक माध्यम होगा, यदि हम मान लें कि यदि आवेशों के मध्य कोई
वैद्युत माध्यम के हो, यह के परावैद्युतांक है, याद रखना ये के अलग है और यह अलग है। तो इस परावैद्युतांक माध्यम के हो तो हम लोग इसी सूत्र को लिख सकते हैं, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by K में R square। बहुत इंपॉर्टेंट यह है सूत्र बना। अब यहां पर देखो K जो है, K यहां पर जो K हम लोग लिखे हैं यह परावैद्युत माध्यम एक प्रकार का परावैद्युतांक है और इस K का मान K बराबर 1 रखते हैं कब, जब वायु या निर्वात हो, जब वायु या निर्वात होगा तो के का मान एक रखेंगे। K इज ग्रेटर देन वन कब रखेंगे, धूल धूल के कण, तिनके, कागज, मोम आदि आदि, यदि ये रहेंगे तो K का मान एक से अधिक रखेंगे। और K का मान इनफाइनाइट रखते हैं कब, धातुओं के लिए। तो K का मान एक या K का मान एक से अधिक और K बराबर इनफाइनाइट रखेंगे यहां पर, और रख करके और उसके बाद से इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि कूलम के नियम में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बना। हम लोग को यह याद रखना है कि F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 बटे में R square, जहां epsilon naught निर्वात की वैद्युतशीलता और K एक परावैद्युतांक है, नियतांक है जिसका मान हम लोग रखेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं।